पहुंच रही है। समस्तीपुर के और आसपास के इलाके से आए हुए आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, नौजवान दोस्तों का, दुकानदार साथियों का, मेरा रिक्शा चलाने वाले मेहनत कर लोगों का, मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम नागरिकों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ आपका हाथ। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को एक जानकारी मिली होगी कि कल आधी रात को मुंगेर बरकी दुर्गा माता जी का मूर्ति का विसर्जन होना था। इस पुलिस में और पूजा समिति के लोगों, स्थानीय लोगों के बीच में कहा सुनी हुई। पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की घटना हुई। स्थानीय लोग बताते हैं कि चार लोगों की मौत हुई है, जबकि पुलिस का कहना है एक इंसान की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सबसे पहले इस घटना की जो बर्बर सरकार को एक चेतावनी देता हूँ, संभल जाइए। नागरिकों के ऊपर इस तरीके का बर्बर हमला हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इस महागठबंधन में शामिल आप तमाम पार्टी के नेतागण, आपसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि ये सवाल हम लोगों को बहुत मजबूती से उठाने की जरूरत है। ये जो नागरिकों के ऊपर गोली चलाई गई है, इसकी न्यायिक जांच हो। अगर न्यायिक जांच होने के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, ऐलान हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और जो लोग किसी विधानसभा के नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनके सामने आकर के उनके दुख और तकलीफ के बारे में हमसे ज्यादा वो जानते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। उस संबंध में मेरा अनुभव आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैं कहीं से आकर के, हालांकि मैं कहीं से नहीं आया हूं, मैं तो बेगूसराय से ही आया हूं, और ये समस्तीपुर है, समस्तीपुर मेरा नानी घर है, तो कहीं से नहीं आया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। कहते हैं ना कि किसी महिला को प्रसव पीड़ा के बारे में ज्ञान नहीं देना चाहिए, और जनता को उनके तकलीफों के बारे में ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो बखूबी जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो बखूबी जानते हैं कि उनके जीवन की सच्चाई की क्या है। प्रश्न ये कि इन समस्याओं से हमको निजात कैसे मिलेगी, और उस निजात के लिए सबसे पहला कदम जो होना चाहिए, वो पहला कदम हम तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने ली है, उसकी पहल हमने की है। और इसका उदाहरण ये है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पांच पार्टियों का एक गठबंधन तैयार किया गया है, और इस गठबंधन का एक मात्र उद्देश्य है कि हम बिहार में बदलाव चाहते हैं। आए हुए इस में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण, सदस्य
कॉम्रेड वृंदा करत और हमारे जुझारू उम्मीदवार साथी अजय जी और राज्य सचिव अभ्येशदा का मैं क्रांतिकारी स्वागत करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके बीच में उपस्थित होने के लिए। दोस्तों, तीन चार महत्वपूर्ण गठबंधन के लोगों से पूछा जा रहा है। पहली बात तो ये कि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा बराबर बराबर क्यों नहीं हुआ है। देखिए, जो अनुभवहीन लोग होते हैं उनको यह सब बात समझ में नहीं आती है। बताइए, पांचों हो जाएगा तो इससे हम लोग खेती कर पाएंगे? जो काम अंगूठा का है वो काम काली उंगली नहीं कर सकती है, और जो काम बीच वाली उंगली का है वो काम दूसरी उंगली नहीं कर सकती है। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल नंबर का नहीं है, सवाल उस कोशिश का है जिससे हम बिहार का सूरत हाल बदलना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये संकल्प लिया। कई लोग कहते हैं कि संख्या बहुत कम है, तो एक बात बताइए, किसी भी मंजिल को पाने के लिए पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना, क्या बाबू? बिना कदम उठाए हम लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं? और एक एक ईंट को जोड़ करके ही घर बनता है ना। तो अगर बिहार विधानसभा में आप चाहते हैं कि बदलाव हो, और ये बदलाव ये समझ लीजिए एक एक उम्मीदवार को आपको जिताने की जिम्मेवारी अपने कंधे पे लेना पड़ेगा, और आपको ये नहीं देखना होगा कि कौन उम्मीदवार किस पार्टी से है, कौन उम्मीदवार का चिन्ह कौन सा है, कौन संगठन कौन सा है और कौन उम्मीदवार का झंडा कौन सा है। आपको यह देखना पड़ेगा कि यह पांच पार्टियों का गठबंधन है। ये पांचों उंगलियां जब अलग अलग होती है तो पंजा होता है, और जब इसको हम मिला देते हैं तो ये मुट्ठी हो जाती है। हमको बनाने की जरूरत है, और यह मुकम्मल एकता हम क्यों चाहते हैं? ये मुकम्मल एकता हम इसलिए चाहते हैं कि सवाल अपने कैरियर अपनी महत्वाकांक्षा का नहीं है, सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि कुछ सांसदी और कुछ विधायकी का सीट जीत जाया जाए। आप में से सारे लोग इस बात को जानते हैं, अपने अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए, सरकार तो बनती बिगड़ती रहती है ना, चुनाव तो होते रहता है ना, लेकिन सरकार अगर सिर्फ बनती बिगड़ती रहे, चुनाव होते रहे, काम चलने वाला नहीं है। हमको एक ऐसी सरकार चुनना होगा जो जात पात से ऊपर उठकर, जो धर्म के झगड़ों से ऊपर उठकर हमारा सुनिश्चित करता हो, खुद को सुरक्षित करता हो। हमको ऐसे सरकार की जरूरत है। वो आपको ये बात बताएंगे कि सालों बाद बिहार विधानसभा चुनाव में जात की नहीं रोजगार की बात हो रही है, ये बात उनसे पूछ लीजिएगा। सालों बाद आप उन लोगों से अनुभव साझा कीजिएगा कि कई तरह के राजनीतिक दल एक साथ अगर आए हैं तो उसका एक उद्देश्य है। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, खेती किसानी का ये इलाका है, बड़ा बूढ़ा बूढ़ा हो जाए छे तो खेत जोतवा पार लगे छे बोला, तो नीतीश जी कुमार धोइए ले रहे हैं। अरे, बुजुर्ग लोगों की प्रतिष्ठा हम लोगों को करनी चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्रयास आधीन तो दुल्हा जवान हो, दुल्हा लोग तो दुल्हा बनाए बहुत बराती सोच है, और माँ बहने यहाँ पे बैठी हुई है। एक बात बताओ, अधन खदक गए है, चार ओकरा मरा दे हो, डब्बू से लाड़बो नहीं तो भात जल जेते कि नहीं जल जेते, रोटी बेल कर पत्थर से लगाए कर बेल कर गोल कहकर तावा धुपाए कर रोटी चढ़ा दिलिए, आप पलटबे नहीं तो रोटी फूलत है, जेल नहीं जेते। 15 साल हो गए, आप कब तक देखोगे? आप कब तक देखोगे?
बिहार की एक खासियत है, जब भी हम लोग किसी को दिल से लगाते हैं ना तो भरपूर लगाते हैं, और मौका भी देते हैं तो भरपूर देते हैं। तो 15 साल दिए, अब हो गया, अब दूसरे को देते हैं। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पिता करके बोलिए, सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? इससे अच्छा मौका मिलेगा? हमारे यहाँ बेगूसराय में इतना एक गाना गाता है कि फिर आया वो वक्त पुराना, सबको सबक सिखाएंगे, और जो निशान आपके सामने में हो महागठबंधन का, उसी पे बटन दबा करके अपने प्रत्याशी को चुनाएंगे। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि जब आप 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो आप एक बार सोचिएगा कि आप मतदान क्यों कर रहे हैं। आप मतदान कीजिएगा पलायन के चमकाए दे छे, वो टूटल चप्पल अपना घर पहने रहे छे, बिना चकने पहने छे। ये सब का अनाज भी बाप बेटा काबिल नहीं छे। बिहार की जनता में ये क्षमता है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पे कॉम्रेड वृंदा कराक बेची हुई है, केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, 100% लोग वहां पे साक्षर है। लेकिन आपको पता है कि केरल में इस बार कौन टॉप किया है? बिहार की एक लड़की टॉप कर रही है। हमारे अंदर प्रतिभा है, लेकिन हमारी संभावनाओं को मार दिया जाता है। और हमारी संभावनाओं को कैसे मारा जाता है? कहते हैं साहेब कि बिजली आ गई है। हाँ आई है, दिन में 75 बार मटकी मारते रहते हैं लगातार। कितना देर बिजली रहती है? किताब कॉपी लग पढ़ल बैठबो तखने भूख से निकालती है। तो लालटेन में पसीने में लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हमें पटना में पढ़ाई रही है, भोरे सांझ खिचड़ी खाइए, लगे जना परमानेंट जॉन्डिस बीमारी हो गई। क्या मैंने तुम्हें बतबो कि जेठ के बैसाख की गर्मी में रोटी बेलते कते पसीना निकलते। एगो रूम, ओकरे में किचन, ओकरे में स्टडी रूम, सब कुछ, डाइनिंग लिविंग स्टडी सब एक के रूम हो, और उस एक रूम में 24 घंटे में 16 घंटा लोग पढ़ाई करता है, इस उम्मीद से कि बहाली निकलेगा। बहाली निकलता है, लोग पहले पोस्टल ऑर्डर खरीद करके फॉर्म भरते थे, आजकल डिमांड ड्राफ्ट मांगता है। डिमांड ड्राफ्ट दे करके ऑनलाइन पैसा जमा करा करके फॉर्म भरते हैं, बहाली का इंतजार करते हैं कि परीक्षा होगा और नौकरी मिलेगी। एक तो परीक्षा होती नहीं है, इतना बड़ा धंधा बन गया है ये कि विद्यार्थियों से पैसा वसूल लो और कह दो कि एग्जाम रद्द हो गया। मान लीजिए खुदान खास्ता एग्जाम अगर हो भी जाए तो प्रश्न पत्र आपको मिले, आप बनाना शुरू कीजिए, तो धीरे से पता चलेगा, कान में कोई कहेगा दुर्बल दवा कठिन मेहनत करे छे, सेट भए गेले हैं, सब चीज बिक गए। बोलिए होता है कि नहीं होता? तो क्या हमारे भीतर प्रतिभा नहीं है? हमको अवसर ही नहीं मिल रहा है, हमारी संभावनाओं को ही मार दिया जाता है। अगर हमको भी अवसर मिले, हमको भी संभावना मिले, तो बिहार भी बीमारू नहीं सबसे सुचारू राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है। और बिहार को अगर आप सुचारू राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो आप महागठबंधन के घोषणा पत्र को देखिए। हम लोग सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके इस संकल्प पत्र को तैयार किया है, और हम कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे लोगों को, वृद्धा पेंशन में वृद्धि करेंगे, और जो नियोजित शिक्षक हैं, एक के स्कूल में 3 तरह के मास्टर साहब आए बात, एगो गणित पढ़ने वाला अस्थायी मास्टर साहब, एगो गणित पढ़ने वाला अस्थायी मास्टर साहब नियोजित, और एगो अतिथि शिक्षक। क्यों भाई ऐसा कैसे हो सकता है? माइंड चलो, 2 लोग कोदारि पाड़े छे खेत में, एगो के देबो 100 रुपया, दूसरे के देबो 20 रुपया, अन्याय नहीं छे? तो हमरा एक बात बतबो, गाड़ी चलबे ले बैलगाड़ी में 2 बैल होइ छे, एगो बैल के बेसी खिलाए देबो, एगो बैल के कम खिलेबो, चलते बैलगाड़ी?
एक मोबाइल बैठ देते थे, कम बैलगाड़ी लगते। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समान काम का समान वेतन लागू करना पड़ेगा, चाहे वो अस्थायी शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, या फिर वित्त रहित स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको अस्थायी करना पड़ेगा। ये सवाल हम लेकर के आए हैं। हम जो प्रश्न उठा रहे हैं उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बातें हैं, नहीं कहे छे भीतर घाल सहदेवन जानता। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखाई तीन तैसी, वो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का बात करके ठग लिए हैं, तो उनको लगता है कि हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। जिसकी जैसी भावना रहेगी उसको वही नजर आएगा ना। वो कहते हैं कि रेवेन्यू कहां से लाइएगा, वही से जहां से आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, ओकर पैसा बाबू घर से ले लो, जमीन में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा लाते हैं। सरकार को खर्च करने की प्राथमिकता बदलनी होगी। देश की जनता गरीब, और नेताजी के लिए 8.5 करोड़ का विमान नहीं चलने वाला है, हमने पैसा लिया तो हमने पर फुटानी नहीं चलने वाला है। इस बात को हमको बदलना पड़ेगा। सरकार अगर अपनी प्राथमिकता बदल ले तो जनता के लिए कल्याण का काम किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, बिहार जैसे राज्य में सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एस्टीमेट का घोटाला होता है। एस्टीमेट माने कि 2 मिनट में समझाई दे छियो, देखिए मंच है ना, मान लीजिए इस मंच को बनाने में 20,000 रुपया खर्च मिला है, ऐसे उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। और स्थानीय कार्यकर्ता को अगर ये पता चले कि इसका पैसा राज्य कार्यालय से आने वाला है तो 20,000 का बिल 40,000 लगा देगा। इसको कहते हैं एस्टीमेट का घोटाला। जितने पैसे में ऑफिस में 2 कुर्सी खरीदी जाती है, उतने पैसे में ऑफिस में 100 कुर्सी खरीदी जा सकती है। आप कभी भी किसी भी योजना का एस्टीमेट उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर सिर्फ एस्टीमेट के घोटाले को रोक दिया जाए और ईमानदार प्रतिनिधियों को सरकार चलाने की अगर जिम्मेदारी दी जाए, तो जितना रेवेन्यू हमारे पास है, जितना पैसा हमारे बजट में है, उतने पैसे से ही बिहार में विकास की गंगा बह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और रही बात कि आप 100% बजट यूज भी नहीं करते हैं, आप हमारा ज्यादा से ज्यादा बजट का जो पैसा है उसको वापस कर देते हैं, तो ये जो पैसे का बहाना है, ये बहाना है ना। कह चल लो नाचना तो दूसरा के दुर्ची दुर्ची कह रहा है भाई साहब। और आप तमाम कहना चाहता हूं कि जुमलेबाजी बकवास बहुत कुछ हो चुका है। बिहार की जनता के सामने ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि अगर वो चाहे तो बिहार में बदलाव करें। और बिहार में बदलाव करना इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया में नौजवानों के सामने धारण कर चुका है। आपने कोरोना महामारी की समस्याओं को झेला है, लेकिन इस कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी बेकारी की समस्या, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम इन समस्याओं पे रोक लगाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, अगर हम चाहते हैं कि मजदूरों को सही मजदूरी मिले, अगर हम चाहते हैं कि किसानों को उनके फसल का दाम मिले, अगर हम चाहते हैं कि पलायन रुके और इस समाज में रहने वाले हर धर्म और जाति के लोगों को बराबर का आत्मसम्मान मिले, तो आपको ये ठानना पड़ेगा, जनजन को ये ठानना पड़ेगा और महागठबंधन को अपना समर्थन दे करके इस सरकार को बदलना पड़ेगा। ये संकल्प आप तमाम लोगों को देना होगा। बोलिए संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सब लोग मिलकर के सरकार बदलेंगे। तो जनजन ने ये छाना है, नया बिहार बनाना है, महागठबंधन को जिताना है। इसी बात के साथ मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करते हुए कि अगर मतदाता ही कार्यकर्ता बन जाए और जो सुधीजन जो नागरिक इस सभा में उपस्थित है, अगर इनका यह जोश, इनका यह समर्थन, इनकी यह योग्यता अगर 3 तारीख को बूथ पर भी दिखाई दे, तो हमको पक्का भरोसा है
कि विभूतिपुर का भविष्य बदलने वाला है, बिहार का भविष्य बदलने वाला है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।